मिस्र की एक अभिनेत्री के काहिरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान पारदर्शी कपड़े पहनने को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अभिनेत्री पर व्यभिचार के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल काहिरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान रानिया यूसुफ ने काले रंग वाला पारदर्शी कपड़ा पहना था, जिसमें उनके पांव का अधिकांश हिस्सा नजर आ रहा था। उनकी इस ड्रेस को लोगों ने मुद्दा बना लिया है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रानिया को अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार है। मिस्र की न्यायिक प्रणाली से जुड़े लोगों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि अगर रानिया दोषी पाई गई तो उन्हें 5 साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि रानिया ने इसके लिए माफी मांगी है। 44 साल की रानिया ने कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि उनके कपड़े से इतना विवाद उत्पन्न होता तो वे ड्रेस नहीं पहनती। रानिया के खिलाफ एमरो अब्दुसलाम और समीर सबरी ने मुकदमा दर्ज कराया है। ये दोनों सेलिब्रिटी लोगों पर मुकदमा करने के लिए जाने जाते हैं। सबरी ने समाचार एजेंसी AFP से कहा, रानिया का पहनावा समाज के मूल्यों, परंपराओं और नैतिकताओं के मुताबिक नहीं है। इससे फिल्म फेस्टिवल और मिस्र की महिलाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। मिस्र के कलाकारों के सिंडिकेट ने भी कुछ मेहमानों के पहनावे पर एतराज जताया है। रानिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि उनसे ड्रेस चुनने में गलती हो गई। उन्होंने लिखा है, पहली बार मैंने ये ड्रेस पहनी, मुझे ये नहीं लगा कि इसको लेकर इतना आक्रोश पैदा होगा, लेकिन मैं अपने समाज के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। पिछले साल मिस्र की एक अदालत ने सिंगर शाइमा अहमद को केला खाते हुए अंडरवेयर वाले म्यूजिक वीडियो के चलते 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे बाद में 1 साल कर दिया गया। इसके बाद जनवरी में एक और सिंगर लैला आमेर पर भड़काऊ म्यूजिकल डांस के चलते मुकदमा दर्ज किया गया था। अमर उजाला.com